ESI के पद पे थे सीतामढ़ी में पीछे 6-7 महीने से। रोज़ की तरह जैसे बात होती है घर वालों से, सब से, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से मैसेज सब चल रहा था। सुबह यहाँ घर पे फ़ोन आया कंट्रोल रूम से कि उनको गोली लग गई है और हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब हमने जब पता किया तो पता चला कि दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया जा रहा है उनको, और तो आधे घंटे के अंदर फिर कॉल आया कि उनकी डेथ हो गई है। सूचना लगी कि गोली कैसे लगी, कैसे कैसे संपर्क हुआ, कैसे फ़ोन आया था आपके पास? हमें कुछ नहीं बताया गया अभी तक SSB की तरफ से ऑफिशियली, ना कोई हमारे यहाँ पे आया है। हमने ही अपनी तरफ से कांटेक्ट करने का कोशिश किया, वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट जो हैं वहाँ पे मिस्टर अनुराग जी, उनसे बात हुई थी। उनसे मैंने पूछा था कि क्या ये सच है, उन्होंने कहा था हाँ सच है। कि मैंने उनको पूछा कि क्या कारण रहा, कुछ तो रीज़न होगा गोली चलने का या गोली, तो वो कहते हैं कि शायद डिप्रेशन की वजह से। तो मैंने पूछा डिप्रेशन किस चीज़ का, तो वो कहते हैं कि लॉकडाउन का डिप्रेशन हो सकता है और आजकल तो और कुछ इस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बाद अनुराग जी ने हमारा कोई कॉल नहीं उठाया, खुद गोली चलाने की सूचना दी। हाँ, उनकी तरफ से हमें ये कहा गया है कि आपके उन्होंने खुद ही अपने सर्विस के वालों से।